दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जो है वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी का होना। जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी है वो अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या ऑपरेशन कराया जाए या अभी दवाइयों के सहारे ही काम चलाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको बार बार इस चीज़ से परेशानी आ रही है, तो आप निश्चित रूप से ऑपरेशन के लिए जाएं। ऑपरेशन बेसिकली आजकल बहुत एक छोटी प्रक्रिया हो गई है, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है और ये एक सिंपल प्रोसीजर है। इसमें एक या दो दिन के अंदर आप अस्पताल से छुट्टी लेकर के अपने घर आ सकते हैं। जो ऑपरेशन की विधियाँ हैं, जो टेक्निक्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो आजकल इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। अगर होता है रिस्क तो आपका डॉक्टर आपको एक्सप्लेन कर देता है कि आपको आपके हार्ट की साइड से, आपके लंग्स की साइड से, या आपको कोई और दूसरा शुगर, बीपी, किसी और कारण की वजह से अगर कोई रिस्क है तो वो आपको ऑपरेशन से पहले बता देते हैं। ऑपरेशन क्यों कराना चाहिए? पित्त की थैली का काम पित्त यानी बाइल्स जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करने का होता है, उनको निकाल करके और आपकी आंत में भेजती है पित्त की थैली, ताकि जो है आपका खाना अच्छे से पच सके। अक्सर पित्त की थैली में एक से ज़्यादा पथरियाँ होती हैं, तो कभी कभी कुछ छोटी जो पथरी होती है पित्त की थैली का जो पाइप होता है आगे का डक्ट, उसके अंदर जा कर के फंस जाती है। और एक बार ये उसके अंदर फंस गई तो कभी कभी ये उसको आधे रोक देती है, कभी कभी उस पाइप को पूरा रोक देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर से बाहर जा रही कोई नाली और उस नाली में पूरा ब्लॉकेज हो जाए। अगर आपके घर से बाहर जा रही किसी नाली में ब्लॉकेज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो आपके घर का पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा और पानी जो है वो बैक फ्लो करके आपके घर के अंदर ही इकट्ठा होने लग जाएगा। इसी तरीके से पित्त जो बाइल्स होते हैं वो भी आगे नहीं जा पाते और वो पित्त की थैली के अंदर ही जमा होने लग जाते हैं। जब वो वहाँ पर अधिक मात्रा में जमा होने लग जाते हैं तो वो हमारे खून के अंदर चले जाते हैं। जब वो हमारे खून के अंदर एक लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो स्थिति जो है जॉइंडिस का रूप ले लेती है, पीलिए का रूप ले लेती है। नली में अगर पथरी फंस जाए उस स्थिति को डॉक्टरी भाषा में कोलिडोकोलिथियसिस बोलते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जब ये स्थिति आ जाती है तो रोगी के खून के अंदर बिलरुबिन, जिनके द्वारा डॉक्टर आपको बताता है कि आपको पीलिया है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में। अक्सर पीलिया लीवर की बीमारियों में होता है, लेकिन इस कारण से भी पीलिया हो सकता है। अगर इस कारण से पीलिया होता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पीलिया बढ़ता है और रोगी की जान को भी खतरा हो जाता है। तो उसी स्थिति में दो ऑपरेशन किए जाते हैं। एक ऑपरेशन ERCP होता है, जिसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, वो दूरबीन द्वारा जो है मुंह से दूरबीन डाल करके आपकी पित्त की थैली के रास्ते में जाएंगे, वहाँ से उस पथरी को खींच लेंगे, निकाल लेंगे और वहाँ पर एक स्टंट लगा कर भी छोड़ सकते हैं। तो ये ERCP की प्रक्रिया हो गई। अब ERCP में लगभग 20,000 से 30,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। एक ये समस्या बढ़ जाती है, दूसरा रोगी के शरीर में बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाता है। फिर इंतज़ार किया जाता है कि पीलिया ख़त्म हो, क्योंकि डॉक्टर ने पथरी वहाँ से खींच करके निकाल दी है और वहाँ पर स्टंट लगा दिया है, तो जो ड्रेनेज है पित्त की थैली का वो शुरू हो गया है। तो अब पीलिया शरीर से धीरे धीरे करके निकल जाएगा, यानी बिलरुबिन जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। अब दोस्तों, दो समस्या हो गई। एक तो ये कि पहले ERCP करानी पड़ी रोगी को, और फिर जो है उसके बाद में रोगी को सलाह दी जाती है कि ये दोबारा कहीं कोई और पथरी ना फंस जाए फिर से जा करके, तो अब आप जो है अपना ऑपरेशन करा लीजिए। फिर रोगी सर्जन से जा करके मिलता है, फिर सर्जन उसको जो है बताता है कि अब आपको दूरबीन विधि द्वारा जो है आपकी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि आपकी पित्त की थैली का जो है ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया जाएगा। कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं, डॉक्टर अक्सर कंसंट लेते हैं, वहीं पर सहमति लेते हैं कि उनको बता देते हैं रोगियों को कि आपका दूरबीन से हम ऑपरेशन करेंगे, परंतु कोई ऐसा कारण भी हो सकता है ऑपरेशन के दौरान आपकी पित्त की थैली लीवर से ज़्यादा चिपकी हुई मिल सकती है, उस स्थिति में दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और वहीं ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर जो है वो ओपन यानी कि एक छोटा सा चीरा लगा करके उससे डायरेक्टली जा करके आपकी पित्त की थैली निकाल लेगा। देखिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होती है इन सब प्रक्रियाओं में, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं आजकल
और बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इन समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा लेते हैं, ताकि जो है दर्द वगैरह इस तरह की समस्याएं ना रहें शरीर में। तो आप लोगों को सलाह तो यही रहेगी कि आप लोग जो हैं अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं, दर्द है, कोई परेशानी है, तो उसको ज़्यादा लंबा ना खींचें, क्योंकि 15% ऐसे रोगी होते हैं, 15% रोगियों में ERCP की आवश्यकता पड़ जाती है, और कोलिडोकोलिथियसिस यानी कि पित्त की थैली की जो डक्ट होती है उसमें जाकर के स्टोन फंस सकता है। छोटा सा विषय आपके लिए लेकर के आया था। एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्त की थैली में पथरी अक्सर क्यों होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह के खाने पीने से आप इसका बचाव कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। आप इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, मुझसे अपने जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वो पूछें। आशा करता हूँ मैं सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था, एक और वीडियो में आपके साथ आते हैं, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।